क्या आपने सोचा है कि सिम कार्ड कटा हुआ ही क्यों होता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नमस्ते मैन, आपको ये इंट्रो तो पता ही होगा जिसमें लायन रोल करता है। हाँ, वही इंट्रो जो टॉम एंड जेरी के बाद आता था। तो क्या आपको पता है कि इसमें जो साउंड यूज किया गया है लायन का, वो कैसे शूट किया होगा? आप यहाँ देख सकते हो, ये है वो फोटो जब MGM फिल्म के लोगो का ट्रैक शूट किया जा रहा था। नंबर 6, हमारा जो माइंड होता है उसके पास एबिलिटी होती है डेंजर को सेंस करने की, और इसीलिए अगर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को देख के फीलिंग आए कि ये डेंजरस है तो आपको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि 90% टाइम गट फीलिंग रॉन्ग नहीं होती, भले ही वो किसी भी बच्चे की गट फीलिंग क्यों ना हो। नंबर 5, डॉल्फिन जो होती है वो जब बॉर्न होती है तो उनके 38% बॉडी पे बाल होते हैं, पर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं तो वो बाल गिर जाते हैं, और पैदा होने के करीब 3 हफ्ते बाद उनकी बॉडी पर एक भी बाल नहीं होते, और ये इसलिए ताकि उन्हें स्विमिंग करने में हेल्प मिले। एक बार गिरने के बाद ये बाल दोबारा कभी नहीं उगते। नंबर 4, आपने ऐसे परफ्यूम के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ये परफ्यूम फोर्ड कंपनी ने बनाया है और इसकी स्मेल पेट्रोल की जैसी होती है, और इसका नाम है मैच ईआउ, जो कि फोर्ड मस्टैंग के नाम पे रखा है, और ये उनके लिए है जो इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं और पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। क्या आपको पेट्रोल की स्मेल पसंद है? अगर हाँ तो इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर, साल 1986 में एक बार टेक्सास से एक छोटे से टाउन का मेयर एक ड्रिंकिंग गॉड बन गई थी। ये क्या है? कई सालों तक लोगों को एक कंफ्यूजन था कि ये गोट को मेयर क्यों इलेक्ट किया गया है, पर फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि यहाँ के लोगों को ये गोट काफी पसंद था और ये गोट अल्कोहल पीता था, तो इन्होंने इसे मेयर बनाया ताकि ये लोग यहाँ पर टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकें, और इनकी ये स्कीम काम भी करने लगी, और कई टूरिस्ट बस इस गोट को देखने ही आते थे और साथ में अल्कोहल भी लाते थे। नंबर 2, ये इमेज देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये 5-स्टोरी बस हो, पर असल में ये बस 1-स्टोरी बस है, और पीछे बिल्कुल सेम दिखने वाली सेम कलर की बिल्डिंग है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कि ये बस अपने ऊपर ही बिल्डिंग लेके घूम रही है। नंबर 1, क्या आपने सोचा है कि सिम कार्ड कटा हुआ ही क्यों होता है? चलो मैं बताता हूँ। पहले जब फोन बनना स्टार्ट हुआ था तब आप सिम निकाल ही नहीं सकते थे, मतलब जिस कंपनी का आप फोन लोगे वही कंपनी आपको नेटवर्क देती थी। फिर यूरोप की ईल कंपनी ने सिम जैसी चिप बनाए जो एक कर्व रेक्टेंगुलर शेप की होती थी ताकि आप अपनी मनपसंद कंपनी से नेटवर्क ले सको, पर जब ये सिम मार्केट में आई तो लोगों को इसे सही तरीके से लगाने में दिक्कत होती थी क्योंकि सब कंफ्यूज थे कि ये कौन से साइड से एंटर होती है। पर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि कंपनीज ने एक टीम बुलाई जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, पर ये काफी ज्यादा कॉस्टली था। फिर फाइनली उन्हें एक आइडिया आया कि हमें सिम को एक साइड से कट करना चाहिए ताकि वो मार्क रहे कि सिम कहां से डालना है, और फिर मार्केट में आई ये कट स्टाइल वाले सिम, और आज हमें देख के ही पता चल जाता है कि सिम कहाँ से डालना है। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, और हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।